ये घोड़े पे बैठा हुआ पैर पहुंच रहे हैं आपके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त सनी। कैसे हैं आप लोग? तो बेटू के लिए लेके आई हूँ दूध, और शाम का टाइम हो रहा है, मतलब लगभग शायद 7:30 ऐसा कुछ हो रहा है, और या फिर 6 हो रहा है, एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं है। तो असी सोच रहे थे चाय बनाने की, तो कड़क सी चाय बना लेते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ बेटू को पार्क ले जाऊँ, बिकॉज़ काफ़ी दिन हो गए मैं पार्क गई भी नहीं हूँ, और ख़ासकर से मतलब दिन के टाइम में। रात में तो कई बार वॉक करने चले जाते हैं हम लोग, तो बस चाय पियेंगे कड़क सी और निकलेंगे फिर पार्क के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? चाय सच में बहुत अच्छी बनी है। मुंह क्यों बना लेते हो? मम्मा मम्मा, डैडी नहीं आएंगे? डैडी डायरेक्ट रात में आएंगे। यार अगर डैडी आते तो हम साथ में पार्क चलते। मम्मा ले तो जा रही है, डैडी बेटे बिजी है ना। चलो 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 चलो, लॉक करने दो। चलो चलो, शूज पहनोगे कि चप्पल पहननी है? ठीक है, निकलो बाहर जल्दी। देखो बेटे हमारे पौधे। गाइस ये जो आंधी तूफान कल परसों आया ना, मेरे पूरे पौधे टूट गए हैं, अब इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ये देखो कड़ी पत्ता टेढ़ा हो गया है। बेटे ये बॉटल पकड़ो, और एक इसमें था ये तो सूख गया है। ये कड़ी पत्ता पूरा झुक गया है, इसको सही करो। इसमें से निकल क्या रहा है? बेटे वो उसके कड़ी पत्ता इसी से तो उगता है। देखो तो कैसे इसकी हालत हुई है, अब इसको सही करना पड़ेगा। ये भी इनफैक्ट ऐसे पूरे गिर गए हैं, ये ना ये पूरे देखो ये गिरे पड़े हैं, देखो ये गिरे हुए हैं, ये खड़े थे ऐसे गिर गए। हाँ बेटे आपको एक चीज दूं? चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, नहीं मतलब बाहर तो हो ही। चलो ये एक चीज लाओ, दो बॉटल गिरा मत देना, टूट जाएगी। बिल्डिंग्स में ना पेंटिंग बची हुई है, बाकी सब हो चुका है, पेंटिंग का काम रुका हुआ है अभी, पता नहीं क्यों। बेटू अभी 2 दिन बारिश हुई ना बीच में, हल्का मौसम ठंडा है, लोग बड़े बड़े भी खेल रहे हैं, ये शर्माते ही रहेंगे। खेलो जाके खेलो, दोस्त बने या ना बने, आप स्लाइड पे खेलो जाके। स्लाइड पे अंकल झूल रहे हैं अपनी पोती के साथ, उनका भी मन किया एक स्लाइड झूल के आए, मतलब एक राउंड लेके आए हैं, अब जा रहे हैं लग रहा है। उन्हें देखो वो अकेले हैं तो अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके साथ है बड़ा चक्कर, वैसे लोग इनसे फ्रेंडशिप कम करते हैं, इनको मारते ज़्यादा। ये घोड़े पे बैठा हुआ पैर पहुंच रहे हैं आपके और कितना सूख हो गया एक्सरसाइज करके। जाओ उस पर खेल लो, कोई नहीं है, जाओ बेटू खाली है, उस पर खेल लो। देखो ये कैसे शेक कर रहा है, यहाँ जब आती है तो एक ना एक शेक करता है। बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, तोड़ देते हैं चीज़ें। इतनी इनको गर्मी लग रही थी, नहा के आए हैं अभी अभी, खुश हैं बड़े। जा 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 जा, जब लड़कियां होती हैं ना थोड़ा शर्माते हैं वेट करते हैं कि लड़के हो। थोड़ी देर और खेलो फिर चलते हैं, ठीक है 10 मिनट्स और खेल लो। साइड हो साइड हो। ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, फूल ही फूल। घर जाके लग जाओ डिनर बनाने में, क्या खाओगे? मम्मा तो दाल चावल सोच रही है। सारे अंकलों की पंचायत हो रही है, देखो बैठ के पंचायत चल रही है। तो गैस आ गए हैं घर वापस, और बेटू ने डिमांड की थी फ्राइम्स खाने हैं मम्मा, तो उनके लिए मैंने कहा चलो फ्राइम्स बना देते हैं। तो जब तक बेटू फ्राइम्स खाएंगे, हम करेंगे डिनर की तैयारी, और अरहर की दाल और चावल बनाऊंगी। तो लगभग 10 मिनट के लिए मैं सोक करती हूँ चावल और दाल दोनों ही। तो दाल भी ले ली है, पानी डालेंगे, और चावल भी लेंगे और पानी डालेंगे। मैं दोनों वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट के लिए सोक कर देती हूँ।
इससे क्या है ना, जल्दी अच्छे बन जाते हैं। मतलब चावल सोक करना चाहिए सो दैट आपको यू नो एक्स्ट्रा गैस भी आपकी बचती है। तो गैस जब तक हमारी दाल में सीटी आ रही है तब तक मैंने सोचा तड़का काट लेते हैं। तो जा रहे हैं अपना प्याज और लहसुन लेने के लिए। अदरक मैं नहीं डालूंगी बिकॉज़ वरना वो दाल बेटू नहीं खाएगा, उन्हें अदरक वाला तड़का पसंद नहीं है दरअसल। तो बस कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं और डिनर रेडी कर लेते हैं फटाफट से। खाना बन गया डीनो, खाओगे? पहले अपने एक कुत्ते बिल्ली रखो, चलो जाओ रखियो अंदर, चलो फिर मैं नहीं दे रही खाना बना। दोस्त है तो क्या हो गया, तो रख के तो आओ उनको अपनी जगह पे, पूरा दिन यहाँ पड़े रहते हैं। ये देखो ये बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, इन्हें टीवी देखनी तो उधर नहीं, उधर फेस करो, वहां ऐसे यूं। जनाब का खाना लगाए दे रही हूँ, मेरा और इनका तो 11 बजे ही होगा लगभग, 10:40 पे तो आते हैं घर। चाहिए थे तो मैं क्या यही लगे रहूंगा, मेरे को निकलना भी तो है 2 दिन में। क्या कर रहे हो? खाना लगा दूं? आना। असली तो कपड़े कुपड़े चेंज कर चुके, मतलब मुझे थोड़ा सा यू नो चैन है। और ये व्लॉग भी खत्म करने का हो गया टाइम, बाय।